तारक मेहता का उल्टा चश्मा फेम गुरुचरण सिंह पिछले काफी समय से सुर्खियों में बने हुए हैं। बीते महीने ये खबर आई थी कि गुरुचरण दिल्ली एयरपोर्ट से अचानक गायब हो गए। इसके बाद उनके परिवार ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, फिर उन्हें दिल्ली में देखा गया। साथ ही उनसे जुड़ी कई अन्य अपडेट भी सामने आए। हालांकि अब वो घर लौट आए हैं। लगभग 25 दिन के बाद गुरुचरण सिंह की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसमें सोढ़ी एक पुलिस ऑफिसर के साथ दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान उनके चेहरे पर हल्की स्माइल दिखाई दे रही है। ये तस्वीर देखने के बाद यूजर्स भी अपने अपने रिएक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान वो ब्लैक टी शर्ट और चेक पगड़ी में नजर आए। जैसा कि आपको सबको पता ही है कि 22 अप्रैल को तारक मेहता के जो स्टार थे सोढ़ी साहब जो है ये लापता थे, उसमें हमने पुलिस ने केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसमें हमारी टीम मुंबई, अमृतसर और हिमाचल, दिल्ली एनसीआर सब जगह काफ़ी इसमें और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। तो आज सुबह ये वापस लौट गए हैं और इसमें इन्होंने जो बताया कि इन्होंने काफ़ी गुरुद्वारा में समय बिताया और ये स्पिरिचुअल उसमें अपनी लाइन में रह रहे थे और उसमें अभी इसमें और फर्दर तफ्तीश कर रहे हैं। इनका कोर्ट के थ्रू स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं और किन कारणों से ये अपने घर से दूर चले गए और फिर वापस आ गए, इसमें हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।